नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बम्पर भर्ती के बारे में, जो कि निकली है आपके समग्र शिक्षा विभाग में निकली हुई है। ठीक है, इसमें अगर हम पदों की बात करें तो इसमें 955 पद रहने वाले हैं। ठीक है, 955 पद, और ये वैकेंसी है आपकी सीआरपी और बीआरपी की, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो कल की डेट में इसका यानी 3 नवंबर को इसका क्या निकल गया था, आदेश निकल गया है, और ये है आपकी एक संविदा बेस भर्ती है, यानी आउटसोर्स के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो चलिए शुरू कर देखते हैं कि इसमें क्या योग्यता रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भर्ती आपकी रहने वाली है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी बीआरपी और संकुल रिसोर्स पर्सन की। ठीक है, इसमें देखते हैं किसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की हिंदी की इसमें कितने पद रहने वाले हैं, हिंदी से जो लोग भरेंगे तो उनके लिए कुल 47 पद रहने वाले हैं। और इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 21 से 42 वर्ष हैं, और जो लोग यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भी, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिनकी आयु क्या है 65 वर्ष तक हो, वो भी इसको भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है किसी भी विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, हिंदी में कम से कम 55% होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका स्नातकोत्तर में। ठीक है, इसके साथ ही आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत मुख्य विषय के साथ 55% के साथ आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए, और सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु बीएड अथवा एलटी ये भी होना चाहिए। इसके अलावा आपका सीटीटी और यूटीटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और कंप्यूटर बेस आपका सामान्य नॉलेज होना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से काम करते हैं, पावर पॉइंट में हो गया और ईमेल आदि हो गया। ठीक है, वहीं अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में भी वही है कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 55% के साथ, और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और उसमें भी आपके 55% होना चाहिए। और शिक्षा स्नातक उपाधि बीएड सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु बीएड अथवा एलटी होना चाहिए, वही है, बाकी सब में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है, एज क्राइटेरिया सेम है। और इसमें भी अगर पदों की बात करें तो इसमें भी 47 पद आपके हैं। वहीं बात अगर हम बीआरपी विज्ञान की करें तो इसमें भी आपका एजुकेशन सेम ही रहने वाली है, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए भौतिकी से, रसायन और जंतु विज्ञान से, या वनस्पति विज्ञान में से किसी में भी आपका क्या होना चाहिए 55% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए रसायन होना चाहिए, भौतिकी होना चाहिए, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में विषयों में से किन्हीं दो विषयों में 55% के साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। और इसमें अगर हम पदों की बात करें तो इसमें पदों की संख्या 48 है, इसमें पदों की संख्या 48 है, ये आप देख सकते हैं कि साइंस में पदों की संख्या 48 है। अगला है आपका बीआरपी मैथ्स में, तो बीआरपी मैथ्स में आपके कुल क्या योग्यता रहने वाली है, तो इसमें आपका रहने वाला है कि गणित विषय के साथ यानी मैथ्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स क्या होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के साथ 55% आपका मैथ्स में भी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बाकी शैक्षिक योग्यता समान है। और अगर हम पदों की हम इसमें बात करें तो इसमें भी पदों की संख्या कितनी है, 48 आपकी पदों की संख्या है। इसके बाद अगला देखते हैं
कि अगला कौन सा है, अगला है आपका सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से किसी एक में से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ, और ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से किन्हीं दो सब्जेक्ट के में। अब और बाकी एजुकेशन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी के लिए समान रहने वाली है, एज क्राइटेरिया आपका समान रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम इसमें पदों की बात करें तो इसमें पदों की जो संख्या है वो आपकी 95 है, सामाजिक विज्ञान में कितनी है 95 है। इसके बाद हम बात करते हैं कि CRP की, ठीक है, संकुल रिसोर्स पर्सन की। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें आपके कितने परसेंट होना चाहिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी 55% आपके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप CRP का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए BEd वगैरह, बाकी एजुकेशन तो समान ही है और पदों के लिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया भी इसमें समान ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें पदों की संख्या, कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें सर्वाधिक पदों की संख्या है, इसमें जो वो पदों की संख्या है वो आपका 670 है, यानी 670 पद इसमें हैं। तो ये एक आपकी वैकेंसी है उत्तराखंड में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत। इसमें आपका जो है कि ये भर्ती आपकी जो है वो आउटसोर्स बेस पे है, परमानेंट यानी परमानेंट नहीं है, आपका आउटसोर्स पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की भर्ती में हम, आज की वैकेंसी हमने देखी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।